लैंगिक समस्याओं के प्रकारों के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। एक युवक 12-13 साल में जब अपनी उम्र में आता है, पुरुष बनता है, तब से मरने तक वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी चालू रख सकता है, मगर ये जो पीरियड है 12-13 साल से लेके सपोज 100 साल तक है, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसको आ सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, और फिर वो टाइम टू टाइम उसको ठीक करना पड़ता है। उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुसार भी आ सकती है, मानसिक अवस्था के अनुसार भी आ सकती है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है लोगों को जो दिखता है वो यह है कि भाई लिंग में कठोरता नहीं आना, टेंशन नहीं आना, लिंग कमजोर पड़ना, तो उनको ये होता है कि भाई इतना इतना टेंशन नहीं है कि जितना वो सेक्स कर सके, मतलब लूज है, या फिर टेंशन आता है मगर वो लूज हो जाता है बाद में, या फिर तीसरा जितना इरेक्शन चाहिए, लंबाई गोलाई चाहिए उतनी ही है, ताकि फिर पार्टनर खुश नहीं है, तो ऐसे इरेक्शन के प्रॉब्लम उसको अलग अलग हो सकते हैं, और वो शारीरिक और मानसिक है। फिर दूसरी बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है शीघ्र पतन का, कि शीघ्र पतन में जल्दी गिर जाना, बेड पर नहीं टिकना, स्टेमिना नहीं टिकना, वीकनेस आना, लंबे समय तक नहीं टिकना, पानी जल्दी गिर जाना, जो भी आप उसको नाम देंगे, अर्ली इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन। पहले ऐसा बोलते थे कि ये 2 मिनट के पहले हुआ तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, अभी बोलते हैं कि नहीं 1 मिनट के पहले हुआ तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। हालांकि मेरी व्याख्या ऐसी है कि दोनों पति पत्नी संतुष्ट होना चाहिए, और यदि संतुष्ट होते हैं तो नॉर्मल है, नहीं होते तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। तो उसमें ऐसा भी होता है कि बात करते करते पानी निकल जाता है, फिर किसी का खेलते खेलते पानी निकल जाता है, किसी का योनि में प्रवेश करते ही पानी निकल जाता है, तो किसी का थोड़े समय के बाद में निकल जाता है, और किसी का ज़्यादा समय निकलने के बाद में भी औरत खुश नहीं होती है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस है और उसके लिए भी दवाइयाँ हैं। फिर तीसरा है, कुछ लोगों को तीसरा प्रॉब्लम जो है कि लोगों को धात जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि धात जाने से उनको कमजोरी आई है, उनके वो गैर समझ हो सकते हैं, गलत फहमियाँ, उनको सपने में धात जाती है, या फिर पानी जाता है पेशाब के पहले या लेटरिन के पहले, तो उनका उसमें काउंसलिंग करना जरूरी होता है। तो कुछ लोगों को वेट ड्रीम्स होती है, वेट ड्रीम्स, और वेट ड्रीम्स भी नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी काउंसलिंग करना जरूरी होता है। ये अलग बीमारी है मगर ये, क्योंकि वो एक बार बिलीव हो गया कि मैं बीमार हूँ तो वो वैसे ही कैरी करता है। वेट ड्रीम्स मतलब गीले सपने, सपनों में पानी जाना या वीर्य जाना। तो कुछ लोगों को हस्तमैथुन की आदत है, हस्तमैथुन इतना ज़्यादा करते कि उनको मज़ा नहीं आता है, तभी भी वो करना ही पड़ता है, वो एक ओसीडी का प्रकार है। वैसे हस्तमैथुन नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इतना ज़्यादा करते हैं, और फिर उनसे उनको एक पश्चाताप होता है, एक अपराध बोध की भावना होती है कि मैंने तो बहुत वीर्य कमा दिया, अब तो मैं तो काम में नहीं रहा, फिर उससे डिप्रेशन आता है, और उनको कैसा भी करके हस्तमैथुन बंद करना पड़ता है ऐसा लगता है। तो एक प्रकार ये हो गया। फिर नेक्स्ट आइटम जो है, लोगों को लगता है कि भाई लिंग छोटा है, और बहुत मतलब 70 से 80% लोगों को यही लगता है कि अपना लिंग छोटा है, लंबाई में गोलाई में लिंग छोटा है, हालांकि 1 इंच से कम यदि है रिलैक्स अवस्था में तो फिर छोटा है, मगर वैसा रहता नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं वो तो छोटा ही है, बड़ा करके दो, तो एक वो प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सेक्सुअलिटी का, वो ज़्यादातर कॉमन दिखाई देता है कि लोग होमोसेक्सुअल है, कि वे समलिंगी आ सकती है, कि लड़का लड़का बात करते हैं वो और सेक्स करते हैं, उनको लड़की के साथ में सेक्स करने मज़ा नहीं आता, लड़कों के साथ में सेक्स करने मज़ा आता है, वो एन्जॉय भी करते हैं, उसमें पैसिव पार्टनर रहते हैं, एक्टिव पार्टनर रहते हैं। अब वो हमारे पास में आते हैं कि अभी हमको ये आदत छुड़वाने की है, अभी हमको शादी करनी है लड़की के साथ में, घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं शादी करो, और ये हमें बंद करना है। तो वो जो ब्रेन का प्रोग्रामिंग हुआ है होमोसेक्सुअलिटी का, वो हमको धुला के, वो डिलीट करके नया प्रोग्रामिंग हेट्रोसेक्सुअल का करना पड़ता है, और वो भी इलाज है। तो ऐसे अलग अलग मोटे तौर पर ये बीमारियां हैं। इसमें सिल्डानाफिल, टाडालाफिल, एवेनाफिल, वर्दानाफिल नाम की PDE5 इनहिबिटर्स जो दवाइयां हैं वो लेते हैं तो उसे फ़ायदा होता है, और उसके साथ साथ मैं कोई एलोपैथी दवाई देता हूँ, एलोपैथी में SSRIs, बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह दवाइयाँ हैं कि जिससे लंबा चलता है। ऑयल हम देते हैं, ऑयल जिसको कड़क नहीं होता है उसके लिए फिर ऑयल देते हैं, मतलब मालिश करके उससे फ़ायदा होता है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है
तो वो कम करने के लिए मलहम भी देते हैं। फिर उसके साथ साथ हम काउंसिलिंग करते हैं, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक का काउंसिलिंग है जो अमेरिकन मेथड है, फीमेल ऑन टॉप पोजीशन का है ना। फिर फोर प्ले का काउंसिलिंग है, मतलब काफ़ी सारा उनके दिमाग के विचार निकाल डालो, दिमाग में क्या चल रहा है, झगड़ा झंझट संघर्ष क्या चल क्या रहा है दिमाग में वो निकालो, डर, और वो निकालते ही आराम हो जाता है। कभी कभी बचपन के प्रॉब्लम्स का असर बड़ा होने के बाद में होता है, जैसे माँ बाप का सेक्स देखा हो, माँ बाप का झगड़ा देखा हो, माँ बाप की क्रेल्ड देखी हो, तो उससे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम बाद में आते रहते हैं। तो वो भी काउंसिलिंग में वो हमने उसमें निकाल दिया दिमाग का, वो तो उनको अच्छा लगता है बहुत और वो प्रॉब्लम छूट जाता है। तो इस तरह से आप अपना सेक्स का इलाज कर सकते हैं, काउंसिलिंग है, कोचिंग है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो नंबर नीचे दिए हुए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर बुधवार को हर रविवार को 10 बजे रात को हमारा एक वेबिनार चलता है, सेक्स वेबिनार, जिसमें हम सेक्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।